दोस्तों, वैसे तो ये दुनिया अमेजिंग चीजों से भरी पड़ी है, मगर आज हम आप लोगों के लिए लेके आए कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें देखकर बस आप यही कहोगे, व्हाट ए फैक्ट। फैक्ट नंबर एक। आजकल तो चारों तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है, मगर क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी इससे खतरनाक वायरस आया था जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। यह वायरस जनवरी 1918 से लेकर दिसंबर 1920 तक रहा था। इस वायरस की चपेट में कम से कम नहीं तो 500 मिलियन लोग आए थे। इस वायरस के कारण 17 से 50 मिलियन लोगों की मौतें हुई थी। फैक्ट नंबर दो। दोस्तों सोच के देखो, क्या पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश है जिसका नाम ए से स्टार्ट हो लेकिन ए पे खत्म ना हो? सोचो। दोस्तों वो देश है अफगानिस्तान। फैक्ट नंबर तीन। चार्ली चैपलिन, नाम तो आपने खूब सुना ही होगा। बचपन में हमें अपनी साइलेंट कॉमेडी से हंसाने वाले चार्ली चैपलिन ने एक मूवी में एक सीन करने के लिए 324 टेक लिए थे, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। इस मूवी का नाम था सिटी लाइट, जो कि 1931 में आई थी। फैक्ट नंबर चार। दोस्तों आपको कैसा लगे कि अगर आपका चेहरा हंसता हुआ ना हो तो आपको उसके लिए फाइन देना पड़े? जी हाँ, फाइन। ऐसा ही एक लॉ है मिलान इटली में, जहाँ आपका चेहरा अगर हंसता हुआ नहीं है तो आपको पूरे $100 देने पड़ेंगे फाइन के तौर पर। फैक्ट नंबर पांच। यह है पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, जो कि लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, मगर क्या आप जानते हैं कि इस पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगा? तो मेरे दोस्तों, इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंसी को पूरे 10 साल लगे थे। फैक्ट नंबर छह, यानी शहद। क्या आप जानते हैं कि शहद खाने की एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप सालों तक खा सकते हैं? शहद सालों तक खराब नहीं होता है। फैक्ट नंबर सात, शैडो। आपने अपनी परछाई तो देखी होगी, मगर क्या आपने माचिस की तीली को जलाकर उसमें से निकलने वाली आग की परछाई देखी है? एक बार ट्राई करके जरूर देखें, क्या उसकी परछाई दिखती है? बेसिकली फायर हैज नो शैडो, मतलब कि आग की कोई परछाई नहीं होती है, क्योंकि वो खुद ही एक लाइट का सोर्स है। फैक्ट नंबर आठ, एयर बिकम लिक्विड एट -190 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हवा माइनस के 190 डिग्री सेल्सियस पे जाके पानी में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे तो सबके अलग अलग शौक होते हैं, मगर दोस्तों एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है मनीष सेट्टी, उसने एक लेडी को हायर कर रखा है, पता है किस लिए? उसको थप्पड़ मारने के लिए। फैक्ट नंबर 10, जिराफ। विश्व का सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर, मगर क्या आपको पता है कि जिराफ की जीभ 21 इंच की होती है? जिराफ की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह अपनी जीभ से अपने कान तक की सफाई कर सकता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 11, जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके शरीर में कुल 300 हड्डियां होती हैं, मगर उम्र बढ़ते बढ़ते वही हड्डियां 206 हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो उसकी हड्डियां काफी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वही हड्डियां बड़ी होने लगती हैं और कई दो हड्डियां मिलकर एक हड्डियां बना लेती हैं। फैक्ट नंबर 12, लियोनार्डो दा विंसी। दोस्तों क्या आपको पता है कि लियोनार्डो दा विंसी दुनिया का एकमात्र ऐसा इंसान था जो कि एक ही समय में एक हाथ से पेंटिंग और दूसरे हाथ से लिख सकता था। फैक्ट नंबर 13, पेंगुइन्स। पेंगुइन्स कैन कन्वर्ट सी वाटर इनटू अ फ्रेश वाटर, यानी कि पेंगुइन्स जो कि समुद्र के आसपास पाए जाते हैं, वो समुद्री पानी को एक शुद्ध पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि पीने लायक होगा। फैक्ट नंबर 14, डायमंड रेन। क्या आपको पता है हमारे ब्रह्मांड में दो ऐसे ग्रह हैं जहां होती है हीरो की बारिश? जी हाँ, हीरो की बारिश। इनका नाम है नेपच्यून एंड यूरेनस। फैक्ट नंबर 15, बातें। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि अरे ये कितना बकर बकर कर रहा है, मगर क्या आप जानते हैं महिलाएं हर रोज 20,000 शब्द बोलती हैं, जो कि पुरुषों के मुकाबले 1 या 2,000 शब्द ज्यादा नहीं
पूरे 13,000 शब्द ज्यादा है। फैक्ट नंबर 16, चींटियां तो आप सभी ने अपने घरों में आते जाते देखी होंगी, पर क्या आपने कभी सोचा है चींटियां कभी सोती भी या नहीं? तो मेरे दोस्तों इसका जवाब है हाँ, मगर एक आम इंसान की तरह नहीं जो कि 7 से 8 घंटे सोते हैं। जेम्स एंड क्वाइटल नामक दो रिसर्चर्स जो कि इंसेक्ट की अलग अलग स्लीपिंग पैटर्न्स पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने बताया कि चींटियां एक साइक्लिक पैटर्न में सोती हैं। उन्होंने बताया कि चींटियां लगातार 12 घंटे काम करने पर सिर्फ 8 मिनट सोती हैं। जी हाँ, 8 मिनट, यानी कि पूरे दिन में सिर्फ 16 मिनट। अब दोस्तों आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चींटियां कितनी मेहनती होती हैं। फैक्ट नंबर 17, ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, ऑस्ट्रिच की आंखें उसके ब्रेन से बड़ी होती हैं। फैक्ट नंबर 18, बटरफ्लाई तितलियां तो आप सभी ने देखी होंगी, मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि तितलियां खाती कैसे हैं, ये स्वाद कैसे चखती हैं? साइंटिस्टों द्वारा की गई रिसर्च में ये पता चला कि तितलियां किसी भी वस्तु का स्वाद अपने पैरों से चखती हैं। जी हाँ, अपने पैरों से, यानी कि इनकी जीभ इनके पैरों में होती है। अगर आप ऐसी ही जानकारियों से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।